Hare Rama, Rama Rama,
श्री राघवेंद्र सरकार के परम कृपा से इस सुंदर मंदिर प्रांगण में बैठकर श्री रामचरितमानस के माध्यम से सत्संग का लाभ हम लोग यहाँ बैठकर प्राप्त कर रहे हैं, जो कि मानव जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंतःकरण एक बार मनुष्य को सदा हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग जो भी साधन करें, कथा कीर्तन पाठ पूजा सेवा अर्चन, हमारा साधन सफल हुआ कि नहीं हुआ ये जानने का सबसे उत्तम उपाय, सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिस साधन को हम कर रहे हैं उस साधन से यदि हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है तब तो साधन ठीक है। और अगर साधन भोजन से हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ तो वो सब साधन केवल श्रम रह जाता है, केवल मेहनत रह जाता है। और अंतःकरण पवित्र है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, यह हम कैसे जानें? शुद्ध अंतःकरण की एक ही पहचान है। अंतःकरण जब शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो उसको श्री ठाकुर जी के प्रति लगाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः लग जाएगा। शुद्ध अंतःकरण की, शुद्ध चित्त की एक ही पहचान है, फिर उसको लगाना नहीं पड़ता, वो लगे बिना रह नहीं सकता। इसलिए ऐसा साधन किया जाए जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करे, यानी श्री ठाकुर जी के प्रति हमारी रति बढ़ाए। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा।
बहनिश ये चित्त की वृत्ति आपके चरणों में लग जाए, इससे कोई प्राप्ति और क्या होगी। शुद्ध अंतःकरण की एक ही पहचान है, ये अंतःकरण ठाकुर जी में लगाना नहीं पड़ेगा, ये लगे बिना रहेगा नहीं। जब तक हमें अपने चित्त को लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी चित्त निर्मल है नहीं, अभी अंतःकरण शुद्ध है नहीं। इसी को स्वाभाविकी भक्ति कहा कपिल भगवान ने। दो तरह की भक्ति होती है, एक भक्ति है साधन सिद्धा भक्ति, एक साधन भक्ति, दूसरी है सिद्धा भक्ति। जैसे घर में एक नौकर भोजन बनाए और एक माँ भोजन बनाए, तो काम तो दोनों का एक ही है, भोजन बनाना, लेकिन उसके बाद भी दोनों की चित्तवृत्ति में बहुत अंतर होता है। नौकर का काम घर में भोजन बनाना, केवल अपनी नौकरी करना है, और एक माँ का भोजन बनाना, वो भोजन बनाएगी 10 बार सोचे ऐसा भोजन हो जो बालक के लिए, घर वालों के लिए, पति आदि के लिए अच्छा भी लगे, तृप्तिकारक भी हो और स्वास्थ्य वर्धक भी हो। और नौकर है, चाहे जैसा अच्छा लगे लगे, ना लगे फेंके चाहे खाएं, इससे क्या मतलब। तो एक भक्ति तो वह है जो शास्त्र के भय से होती है, अरे ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे, एक भक्ति शास्त्र के भय से होती है। और एक भक्ति स्वाभाविकी है, वो किसी का भय वय नहीं मानती, वो श्री ठाकुर जी में लगे बिना रहती ही नहीं। तो अंतःकरण की जैसी निर्मलता स्वाभाविक ही भक्ति से होती है। अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सभी संतों ने कहा है, मीन सदा जल में रहे और धोए बास न जाए। मछली तो सदा पानी में ही रहती है, दिन रात धुलती रहती है, लेकिन फिर भी मछली की गंध जाती नहीं है। तो अगर साधन से अंतःकरण नहीं शुद्ध हुआ तो वो साधन केवल मेहनत मात्र रह जाएगा। तो ऐसा साधन किया जाए जिससे अंतःकरण सबसे जल्दी शुद्ध हो, पवित्र हो। ज्ञान से शुद्ध होगा नहीं है, कर्म से शुद्ध होगा बोले नहीं होगा। एक ही रास्ता है, भगवत भक्ति। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कहो भक्ति पथ कवन प्रयास, जोग न जप मख तप उपवास। भक्ति मार्ग में कोई मेहनत नहीं है, कोई श्रम नहीं है, तो क्या चाहिए। सरल स्वभाव मन कुटिलाई यथालाभ, संतोष सदाई। कोई मेहनत नहीं, केवल सरल स्वभाव हो जाए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना आ जाए, केवल इतने से ही दो चार बातें जीवन में आ गए, ठाकुर जी की कथा के प्रति रुचि हो जाए, भगवत भक्तों में भाव हो जाए, आराध्य बुद्धि हो जाए, बस अंतःकरण निर्मल हुआ और श्री ठाकुर जी में वृद्धिमत की गति दे देगा। अंतःकरण की स्वच्छता का सबसे उत्तम उपाय है श्री ठाकुर जी की कथा को सुना जाए, भगवत कथा को सुना जाए। क्योंकि कपड़ा गंदा हो गया तो उसको आप उत्तम से उत्तम बढ़िया साबुन से धो देंगे, साफ कर देंगे, लेकिन कपड़ा धुलने के बाद साफ तो हो जाएगा, लेकिन कपड़ा ये नहीं कह सकता कि अब मैं दोबारा गंदा ही नहीं होगा। आज साफ किया कल फिर गंदा हो गया, क्या भरोसा। किंतु भगवत कथा सुनकर एक बार चित्त जो शुद्ध हो जाएगा, कथा का यह उद्घोष है,
कथा की ये प्रतिज्ञा है, ठाकुर जी की कथा की ये प्रतिज्ञा है कि मेरे द्वारा जीव का चित्त का जो शोधन होगा वो भविष्य में फिर कभी गंदा हो ही नहीं सकता है। यानी कथा से जो चित्त की शुद्धि होगी वो चित्त फिर भविष्य में कभी मलिन नहीं होगा, कभी दूषित नहीं होगा। इतनी महिमा है भगवत कथा श्रवण की। ये सुंदर अवसर श्री रघुनाथ जी की कृपा से, उनकी पावन लीला चरित्रों के माध्यम से हम लोगों को मिला है सत्संग का, कथा श्रवण का। और इतना सुंदर ग्रंथ है रामचरितमानस, कलि पावनावतार श्री तुलसीदास जी महाराज ने कलि गोड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, सात सीढ़ियों वाला ये जहाज रामचरितमानस कलयुग में गोता खाने वाले जीवों के लिए ही प्रकट किया है। हम जीवों के कल्याण के लिए कृपा करके ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, इसकी रचना की। तो इस कथा के माध्यम से रामचरितमानस रूपी नौका में, जहाज में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नौका। जो भव सागर से पार जाना चाहता है, राम कथा ही उसके लिए नौका है, राम कथा ही उसके लिए जहाज है। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, शिव जी और पार्वती जी के विवाह की कथा हम लोगों ने सुनी, जबकि याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने का प्रश्न किया है, किंतु याज्ञवल्क्य जी राम कथा बाद में कहे, शिव जी पार्वती जी के विवाह की बात पहले कहे। और ये कल हम लोग सुन चुके हैं, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी ये श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक राम कथा की शुरुआत कहाँ से हो सकती है। सुनने वाले में श्रद्धा, सुनाने वाले में विश्वास हो, तब राम कथा का आविर्भाव होता है, राम कथा का जन्म होता है। यहाँ श्री शंकर जी और पार्वती जी के संयोग की कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज वर्णन किए हैं। जिस समय विवाह हुआ है भगवती का भगवान शंभु के साथ, पार्वती जी विराजी हैं, और यहाँ से आगे शंकर जी और पार्वती जी के संवाद के रूप में राम कथा शुरू होती है। तो पार्वती जी ने सुंदर राम कथा विषय प्रश्न करके राम कथा को प्रवाहित करने वाली भागीरथी की एक भूमिका बनाई, और पार्वती जी की जिज्ञासा पर ही शंकर जी ने फिर संपूर्ण राम कथा, कैसे राम जी का जन्म हुआ, किन किन कारणों से राम जी का जन्म, उनके आविर्भाव में कौन कौन से कारण प्रमुख हैं, उन सबका वर्णन शंकर जी ने किया है। पार्वती जी विराजी हैं, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर तीना। शंकर जी जान रहे ये पूर्व जन्म में भले ही सती जी की इनको शंका हो गई, लेकिन इस जन्म में ये पर्वत राज की पुत्री हैं, और जैसे पर्वत अचल होता है ऐसे ही पार्वती जी यानी श्रद्धा भी अचल होनी चाहिए। तब शंकर जी जान गए, उस समय ये राम कथा की अधिकारी नहीं थी, उस समय तो इनको संशय का रोग हो गया था, राम कथा सुनाती भी तो भी मन मस्तिष्क में बैठ नहीं सकती थी। अरे आदमी को जब संदेह का रोग हो जाए तो बढ़िया बढ़िया बात उसको बताओ, लेकिन दिल दिमाग में बैठती नहीं। तो जब तक संशय रूपी रोग का निवारण नहीं होगा, तब तक राम कथा को समझने की पात्रता इनको नहीं मिलेगी। पर अब पार्वती जी के रूप में जब आई है सती जी भगवती, तब पार्वती जी ने प्रार्थना की, हे शंभो अब आप कृपा करके राम कथा का अगर मुझे पात्र समझें तो मुझे श्रवण कराएं। तो राम कथा, राम जी का स्मरण जिन पार्वती जी के द्वारा शंकर जी को कराया गया, शंकर जी ने पार्वती जी को बड़ा आदर दिया, बहुत आदर। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, अब कह रहे हैं पार्वती जी अब प्रिया बन गई शंकर जी की, परम प्रेयसी बन गई। क्यों? क्योंकि शंकर जी को परम प्रिय है राम जी, और राम जी के चरित्र को याद दिलाने का प्रश्न जब पार्वती जी ने किया, तो अब शंकर जी को पार्वती जी प्रिया हो गए, बहुत प्रिय लगने लगे।
आदर दीना। शंकर जी पार्वती जी को आदर दे रहे हैं और आदर पूर्वक उनको अपने वाम भाग में बिठा रहे हैं। ये है रामचरितमानस का संदेश। हम लोग प्राय लोग कह देते हैं कि सनातन धर्म में स्त्री का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर स्त्री का सम्मान न होता तो शंकर जी को देखो आदर दीना। आदर किसको दिया जाता है, ध्यान रखें, आदर हमेशा अपने से बड़े वाले को दिया जाता है। बराबर वाले से तो मित्रता का व्यवहार रहेगा, छोटे के प्रति दया का भाव रहेगा, लेकिन बड़ों के प्रति आदर का भाव होता है। तो केवल शंकर जी ने समानाधिकार ही नहीं बल्कि पार्वती जी को अपने से ज्यादा बड़ा समझकर उनको आदर दिया। और न केवल शंकर जी बल्कि राम जी भी सीता जी को आदर दिए हैं। मानस जी में एक जगह वर्णन आता है, निज कर भूषण राम बनाए और सीत ही सादर प्रभु पहराए। वनवास काल में श्री राम जी सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके श्री जानकी जी के लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं और सादर पहराए, उनको आदर सहित श्री जानकी जी को सीता जी को धारण कराते हैं। ये सनातन धर्म कहता है, यानी स्त्री को स्वयं से बढ़कर आदर दिया जाए और स्त्री भी स्वयं से बढ़कर पुरुष को यानी अपने पति को आदर दे। दोनों एक दूसरे को स्वयं से बढ़कर आदर देना सीख जाए तो परस्पर का जो कलह है, वाद विवाद है, आपसी मन मुटाव है, राग तकरार है, ये सब समाप्त हो जाएगा। समान अधिकार, समान अधिकार में तो और बल की लड़ाई होती है। हम लोगों की दृष्टि में समान अधिकार है ही क्या? साधारण बुद्धि तो यही सोचती है, एक व्यक्ति अपनी स्त्री से बोला, देखिए देवी आपने हमारे लिए बहुत त्याग किया। एक स्त्री अपने पति के लिए कितना त्याग करती है, माँ छोड़ती है, बाप छोड़ती है, भाई छोड़ती है, परिवार छोड़ती है, तो मैं भी तुम्हारे लिए अपने माता पिता का परित्याग करता हूँ। अब ये कोई समानाधिकार की बात थोड़ी है, समान भाव की बात थोड़ी है। भागवत जी में इतनी प्रशंसा है, इतनी प्रशंसा स्त्री की है, इतनी प्रशंसा, जिस समय अम्बरीश जी महाराज शरण में आए हैं भगवान की, तो भगवान ने अम्बरीश जी को कहा, दुर्वासा जी महाराज शरण में आए हैं, तो दुर्वासा जी को भगवान ने कहा, भई निर्भग हृदया साधवो हृदय तुम मदन्यते न जानती ना हम देखो मनागमी। दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, हे प्रभु आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? बोले नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया। अरे तो प्रभु हम भी तो कुछ ना कुछ भक्त रहे होंगे, हमारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ भक्ति होगी। बोले भक्ति तो है लेकिन एक सती स्त्री जैसी भक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। तो सती स्त्री की क्या महिमा है? बोले सस्त्रिया सत्पतिम यथा, एक पतिव्रता स्त्री, एक सती स्त्री अपने सतीत्व से अपने पति को भी वश में कर लेती है, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। ऐसे ही मेरे भक्त भक्ति के द्वारा जब मुझे अपने वश में कर लेते हैं तो मैं तो वशीभूत होकर केवल नाचता हूँ, वे जैसे चाहे नचा लें, वो जो चाहे करा लें। और किया नहीं था गोपियों का, क्या नहीं किया ठाकुर जी ने? भक्तमाल पढ़कर देखे, भक्तों के लिए क्या क्या नहीं भगवान ने किया, क्योंकि मदन्यते न जानती। सती स्त्री कौन है, भक्त कौन है? बोले वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते और मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। इसी को कहते हैं अनन्यता। एक स्त्री की अपने पति के प्रति जैसी अनन्यता है, ऐसी ही एक भक्त की भगवान के प्रति अनन्यता होती है। फिर जैसे उस पतिव्रता स्त्री को चिंतन में भी कोई पुरुष नहीं आता, स्वप्न में भी कोई परपुरुष नहीं आता, ऐसे ही एक अनन्य आश्रित भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं दिखाई पड़ता, कोई शरणदाता नहीं दिखाई पड़ता, उसके लिए एकमात्र और सर्वस्व भगवान ही है। तो अनन्यता जीवन में जब आ जाए तो स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है, और इतना ऊंचा हो जाता है कि कहां अरुंधति अनसुईया जी ये महासतियां हुई हैं, जिनके कारण
भगवान भी श्रापित हो गए, भगवान को भी श्राप देने की क्षमता एक सती स्त्री थी तुलसी जी के अंदर आई थी ना, भगवान को भी श्राप दे दिया, जाओ आप पत्थर रूप हो जाओ, पाषाण बन जाओ। एक सती स्त्री के अंदर इतनी क्षमता, भगवान को भी श्राप दे सकती है क्योंकि चित्त की वृत्ति अनन्य हो गई। जिसका इतना समर्पण होगा, जिसकी इतनी निष्ठा होगी, उसके अंदर ही ये क्षमता, ये शक्ति आ सकती है। और हम लोगों का मन बुद्धि कोई सती स्त्री थोड़ी है, हमारी बुद्धि तो व्यवचारी स्त्री की तरह है। आज यहाँ लड्डू में मन गया, कल कचौड़ी में मन गया, फिर डोसा में मन गया, फिर वहां मन गया, फिर वहां गया। ये बुद्धि का व्यभिचारीपना है, बुद्धि का व्यभिचारीपना, ये बुद्धि की सतीत्व नहीं है बुद्धि का। रोज हमारा मन कहीं ना कहीं जाता है, रोज कहीं ना कहीं जाता है। हम लोग तो केवल नकली चौंका पहन प्रेम का, प्रेमी का सा दंग है भरते हैं, केवल झूठा दावा भरते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। कभी ऐसी स्थिति हुई कि भगवान के अलावा कुछ सूझा ही ना हो जीवन में? कभी एक क्षण भी ऐसी स्थिति नहीं हुई होगी। ऐसी स्थिति थी जिन भक्तों की, उनकी वाणी सुनी। मीरा जी की स्थिति ऐसी थी, मीरा जी ने कहा है, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत ना आवे बिना। दिन में न भूख लगती है, न रात को नींद आती है। और हम लोगों की हालत तो यह है, कभी दाजी ने कहा ना, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कभी रहे जागे और रोवे। हम लोगों को सोने खाने से फुर्सत नहीं है, और उन अनन्य भक्तों को रोने और जागने से फुर्सत नहीं है। मीरा जी ने कहा, दिवस ना भूख, दिन में भूख नहीं लगती, रात में चैन नहीं पड़ता, किसी से बोलना चलना अच्छा नहीं लगता। दिवस ना भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत ना आवे बिना। कहा करूं कछु कहत ना आवे, बिन कर तपन बुझा। इसको कहते हैं अनन्यता, इसको कहते हैं भक्ति। तो ऐसा अनन्य भक्त जो है, ऐसी अनन्यता, ऐसा समर्पण जिसके अंदर है, वह भक्त। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम जी स्वयं कहे हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। स्त्री ही नहीं, पुरुष ही नहीं, नपुंसक भी है, लेकिन सर्व भाव भजी, सब कपट तजी, कपट छोड़कर सर्वात्म भाव से यदि मेरा भजन कर रहा है तो प्रिय नहीं, राम जी कह रहे हैं परम प्रिय, वो मेरा प्राणों से भी प्रिय है। कहां है स्त्री निंदा? यहां तो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक वा, नपुंसक भी हो अगर उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर अनन्यता है, उसके अंदर एक आश्रय है, तो भगवान को परम प्रिय है, निश्चित रूप से परम प्रिय। वह बात अलग है, कहीं गोसाई जी महाराज ने
ताड़का शूर्पणखा जैसी स्त्रियों की यदि निंदा कर दी ग्रंथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म में स्त्री का कोई आदर ही नहीं है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति इतनी उदार है, इतनी विशाल है कि यहाँ स्त्री को साक्षात ब्रह्म रूप में देखा जाता है। देवी पुराण में यहाँ तक लिखा है कि स्वयं आदि शक्ति ही श्री कृष्ण के रूप में आई है, ऐसा लिखा है। आदि शक्ति ने ही कृष्ण रूप में जन्म लिया, देवी पुराण में लिखा हुआ है। तो जहां नारी ही ब्रह्म रूप हो जाए, जहां स्त्री ही ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाए, तो धर्म कितना उदार होगा, कितना विशाल होगा। इतना आदर शंकर जी ने दिया है पार्वती जी को, इतना आदर, हे देवी तुमने मुझे राम कथा का स्मरण कराया, मेरे आराध्य का स्मरण कराया, तुम मेरे लिए भी पूज्य हो गई हो, आदर बुद्धि कर दी पार्वती जी के प्रति। और तब वहां श्री भगवती ने तो प्रभु हरम मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना, हे नाथ अब आप मेरा अज्ञान का हरण करें और अनेकानेक प्रकार से मुझे राम कथा का श्रवण कराएं। क्यों अवतार लिया, कैसे अवतार लिया, क्या क्या लीलाएं की, उन लीलाओं के क्या रहस्य थे। तब शंकर जी ने यहाँ राम कथा सरिता को प्रवाहित किया है। कई कारणों से राम जी का जो अवतरण हुआ है, कल बहुत सूक्ष्म हम लोगों ने श्रवण किया था। संकादिक मुनि के शाप से जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, राम जी ने आकर उद्धार किया। जलंधर भी रावण बना है, उसके लिए भी भगवान उद्धारार्थ आए हैं। इसके अतिरिक्त नारद जी के शाप के कारण भी श्री भगवान को अवतार लेना पड़ा। देखो अवतार लेना पड़ा इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगवान किसी दबाव में है, नहीं नहीं था। नारद जी ने शाप दिया, इसने भी भगवान की ही इच्छा की, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। अब भगवान चाहते अवतार लें, लीला करें, जिन लीलाओं को साधारण लोग सुन सके, गा सके, उसमें मन लगा सके। तो अब अवतार लेंगे तो कोई ना कोई माता पिता तो चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए, भूमि चाहिए। तब सारी भूमिका इस तरह भगवान ने स्वेच्छा से बनाई है, अपनी ही इच्छा से बनाई है। नारद जी ने शाप दिया है और कथा प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। नारद जी का भगवान ने विवाह नहीं होने दिया था, बहुत प्रसिद्ध कथा प्रसंग है। और नारद जी जब आए हैं राम जी के पास पूछने के लिए, और उन्होंने प्रश्न किया है, हे नाथ एक बात आप कृपा करके हमें अवश्य बताने, चाहे सुनहीं राम गुण बूढ़ा। नारद जी वहां जानना चाहते हैं भगवान से, हे प्रभु एक बात कृपा करके आप बताइए, शंकर जी का तो आपने विवाह कह के कराया और हम करना चाहते थे तो आपने करने नहीं दिया, इसमें क्या आपको कोई हमसे आपत्ति है, कोई चिढ़ है, द्वेष है। तो भगवान हंस गए। भगवान ने कहा, नारद जी देखिए आप ठहरे परम विरक्त, और विरक्त को विवाह आदि से हम प्रपंचों से दूर रहना चाहिए, आप जानते नहीं विरक्त का क्या धर्म है। नारद जी बोले तो हमसे ज्यादा विरक्त तो शंकर जी है, वे तो कपड़ा भी नहीं पहनते, वे तो मुंडमाल और शमशान की बस न जाने क्या क्या धारण करते हैं, हमसे ज्यादा विरक्त तो वे हैं, उनको कह के ब्याह करा रहे हैं और हम आपसे रूप मांगने आए तो आपने सुंदर रूप की जगह हमें बंदर का रूप दे दिया। तो भगवान ने कहा, नारद जी आप में और शंकर जी में बहुत अंतर है। अच्छा प्रभु बहुत अंतर है, तो कितना अंतर है? बोले इतना ही अंतर है जैसे एक समझदार बेटे और नासमझ बेटे में होता है। अच्छा तो प्रभु एक बात बताए, समझदार बेटा कौन है? बोले समझदार तो शंकर जी है। और ना समझ कौन है? बोले अपने आप समझ जाइए, ना समझ कौन है, हमें कहना ना पड़े। नारद जी ने कहा तब तो आपने हमें ही ना समझ बना दिया, अब बताएं तो सही ऐसी ना समझी हमने क्या कर दी। बोले अरे देखो ना समझ बेटे को इतना भी नहीं पता होता कि पहली बात तो विवाह की बात करें किससे, विवाह की बात कब करें, किससे करें। तुम जानते हो जिस माया से तुम विवाह करने जा रहे थे, विश्व मोहिनी से, वो विश्व मोहिनी साक्षात माया का ही, हमारी माया ही थी। वह है माया और हम है मायावती,
हम जब तुम्हारे पिताजी हैं तो माया क्या है? बोले माता जी अब बताओ अपनी मैया से तुम विवाह करने जा रहे हो, ये तुम्हारी समझदारी है कि ना समझी है? अब तो नारद जी मूक हो गए। भगवान ने कहा नारद जी एक और बात सुनिए, भगवान शंकर विवाह करना चाहते नहीं थे और आप विवाह करना चाहते थे। शंकर जी को तो हमारी प्रेरणा से विवाह करना पड़ा। अब शंकर जी ने विवाह के लिए कोई तैयारी की? किसी ने कुछ सुना हो भाई कोई बहुत तैयारी शंकर जी ने की हो? अरे जैसे थे जिस वेश में थे वैसे के वैसे चले गए, क्योंकि शंकर जी की यह भावना है। भगवान को भनक पड़ी है कि नहीं, खबर पड़ी कि नहीं नारद ने माया जीत ली?
नारद जी बिना पर हरि गुणगान करते करते शंकर जी के निकट पहुंच गए। सुना तो हमें शंकर जी को अपनी जी आपका जमाना गया, अब तो दूसरा विजेता आ गया है। जैसे वर्ल्ड चैंपियन होता है ना, हर साल लोग बदलते रहते हैं, चलो किसी समय होंगे शंकर जी, अब तो नारद हो विजेता। शंकर जी सुनते रहे सुनते रहे। शंकर जी को मन में बड़ी प्रसन्नता है कि नारद जी आए हैं, आज शंकर जी इतने प्रसन्न हुए, चलो हरि गुणगान सुनेंगे, इनसे राम जी की कथा सुनेंगे, इससे बढ़िया सत्संग का और सुख क्या है। और वहां तो नारद जी राम कथा थोड़े ही, राम कथा नहीं, वहां नारद जी ने मार कथा शुरू कर दी। काम का एक नाम है मार, तो राम का उल्टा मार कथा शुरू कर दी, काम कथा शुरू कर दी। अब शंकर जी सोच रहे, हम तो सोचे थे राम कथा कहेंगे, ये तो दूसरी कथा कहने लगे। वक्ता जब कहता है तो चाहता है श्रोता की ओर से अच्छा रिस्पांस मिले, श्रोता को समझ में आ रहा नहीं आ रहा कथा कैसी लग रही है, कुछ तो कहे। अब शंकर जी कुछ बोल रही थी, कुछ मुंह बन के सुनते जा रहे सुनते जा रहे। कहिए शंभो कथा कैसी लगी? शंकर जी ने कहा जैसी लगी वो तो बाद में बताएंगे, पर हमें तो सुना दी, आगे किसी को मत सुना। नारद जी सोचने लगता है इनके मन में कुड़न पैदा हो गई, ये सुनना नहीं चाहते कि हम इनके आगे पहुंच गए। शंकर जी ने कहा नारद जी हित इसी में है, हमको जो कहा है वो आगे किसी को मत कहना। नारद जी बोले वैसे तो कहेंगे नहीं, पर मान लो ब्रह्मा जी के पास गए कोई चर्चा चल गई तो फिर थोड़ा बहुत जरूर सुना देंगे। नहीं नहीं चर्चा चल भी जाए तो छिपा जाना, बोलना मत। नारद जी वीणा पर हरि गुणगान करते करते ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जाकर भी वही आरंभ कर दिया। अब थोड़े दिन ब्रह्मलोक में रहे नारद जी, महीने सोच रहे हैं अब वैकुंठ जाएंगे नहीं, अब तो हमारे विजय की खबर पहुंच जाएगी, तो वैकुंठ नाथ अपने आप जब चिट्ठी लिख देंगे हमको बुलावा निमंत्रण आ जाएगा, तब ही वैकुंठ जाएंगे। अब बहुत दिन हो गए भगवान ने कोई खोज खबर ली नहीं। नारद जी ने सोचा अब तो ऐसा है बात ज्यादा पुरानी ना हो जाए, हम खुद ही चले तो बढ़िया, वहां से तो कोई चिट्ठी आई नहीं। तो नारद जी स्वयं ही वैकुंठ पधारे और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं, वैकुंठ पहुंचने के बाद वहां ऐसी विचित्र लीला भगवान ने की। जैसे ही नारद जी आए तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया नारद जी को, हर्षि मिले उठी रमा निकेता। आशीर्वाद हर बार तो आशीर्वाद देते थे, इस बार आशीर्वाद नहीं दिया। नारद जी अहो नारद जी आए हैं ऐसा कह के भगवान अपने आसन से खड़े हो गए। नारद जी सोचने लग रहा है इनको हमारी महिमा पता चल गई, हर बार तो आशीर्वाद देते थे, इस बार तो हाथ से हाथ मिला के मिल रहे हैं और प्रणाम ही नहीं, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद बैठे आसन ऋषि समेता। हर बार तो नारद जी नीचे बैठते खड़े रहते, इस बार ठाकुर जी ने अपने बगल में आसन और दे दिया, क्योंकि भैया भगवान भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। जैसे किसी व्यक्ति को चमड़े में व्रण हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उसके दो उपचार हैं, या तो उसको समय से दवाई दे दी जाए जिससे वो फोड़ा बैठ जाए, घाव बैठ जाए, और अगर न बैठता हो तो दूसरी ऐसी भी दवाई दी जाती है जिससे वो जल्दी बढ़ जाए और उसको ऑपरेशन हो जाए। तो नारद जी को अब वो दवाई नहीं दी जा सकती कि उनका मद का रोग कम हो जाए, अब तो भगवान उनके मद के रोग को और बढ़ा रहे हैं जिससे बढ़ते बढ़ते विस्फोट हो और फिर इसका ऑपरेशन हो जाए, इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो भगवान जानबूझ के हर बार तो आशीर्वाद देते, इस बार हाथ से हाथ मिला के मिले हैं। हर बार श्री ठाकुर जी नारद जी सम्मुख खड़े स्तुति कर रहे, इस बार आसन से के नारद जी को अपने बगल में बैठा लिया और भगवान ने एक व्यंग और क्या कर दिया, बोले बहुत दिन मुनि कीन तुम दया। हे नारद जी आज तो बड़े दिन बाद आपने दया की। अब नारद जी सोच रहे हैं पहले तो हम दया लेने के लिए आते थे, ऐसा लगता है भगवान भी जान गए कि अब हम भी दया कर सकते हैं, अब इतनी सामर्थ्य हमें भी प्राप्त हो गया, मत बिल्कुल बढ़ता जा रहा। लेकिन श्री करुणा वरणालय भगवान ने विचार किया, और अंकुरेउ गर्व तरु भारी बेबी सुमे डारी हम दुखारी। अब इसका मद पौधा था, अब बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन रहा है,
और जहां वृक्ष बनेगा उसी समय में उसको समूल काट के गिरा दूंगा, जड़ सहित उखाड़ के फेंक दूंगा। नारद जी का मत बढ़ता चला गया। देखिए हमने माया जीत ली, काम क्रोध लोग सब जीत लिए, और फिर ठाकुर जी ने ऐसी लीला की है, माया नगरी बनाई है, वहाँ श्री मेरे राजा अपनी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचे हैं। नारद जी तो ऐसे मोहित हो गए, गए हैं भगवान के पास, हे प्रभु ऐसे बहुत सुंदर रूप आप हमें दे दीजिए, ऐसा ही करना जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा बस नारद जी वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित हो। और नारद जी भगवान का रूप चाहते थे, बोले हरि रूप आप मुझे दे दीजिए। अब हरि जो है ना, हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है, हरि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं संस्कृत में। हरि शब्द के विषय में लिखा है, हरि ने सुना हरि से कहा, हरि चले हरि के पास, और वे हरि तो हरि में रहे, और ये हरि भय उदास। हरि शब्द के देखो कितने अर्थ होते हैं। हरि का मतलब मेंढक भी होता है, हरि का मतलब सर्प भी होता है, और हरि का मतलब बंदर भी होता है। हरि ने कहा और हरि ने सुना, मेंढक बोला, एक हरि का मतलब मेंढक और एक हरि का मतलब सांप, मेंढक बोला और सर्प ने सुना, हरि ने कहा और हरि ने सुना, हरि चले हरि के पास। जैसे मेंढक के टर्र टर्र की आवाज आई तो वो सर्प मेंढक को खाने के लिए चल पड़ा, और वे हरि तो हरि में रहे, और ये हरि भय उदास। जैसे ही सर्प आता हुआ दिखाई पड़ा तो उसी समय मेंढक जो था, हरि माने जल भी होता है, वो अपनी गुफा में खोहों में घुस गया, और सर्प रूपी जो हरि था वो उदास हो गया। अब कितनी बार हरि शब्द का प्रयोग आया, लेकिन एक कहीं हरि का मतलब मेंढक है, कहीं हरि का मतलब सर्प है, और हरि का एक अर्थ बंदर भी है। तो नारद जी ने कहा हे हरि, हरि रूप दे दीजिए। अब ये थोड़ा ही कहा कि कौन सा हरि रूप, तो भगवान ने बहुत सोच विचार के और बंदर का रूप नारद जी को दे दिया। अब नारद जी तो वे दर्पण देख के थोड़ी चले थे, शीशा देख के कि देख रहे भाई कैसा रूप है, चल दिए, भरोसा था। जैसे ही चले हैं विश्व मोहिनी के स्वयंवर में बैठे हैं, पर ध्यान रखें नारद जी को सबने आदर दिया, ये बंदर का रूप या तो विष्णु मोहिनी को ही दिखाई पड़ा या भगवान को ही दिखाई पड़ा, या शंकर जी के दो गण थे और तीसरा किसी को दिखाई नहीं पड़ा, बाकी सब तो नारद जी समझ के प्रणाम कर रहे हैं। स्वयंवर में नारद जी बैठे हो, विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर जयमाल लेकर जब आई हैं, बार बार आवे बार बार चली जाए, नारद जी की ओर मुंह घुमा के देखी, बंदर को कौन जयमाल डाले। तब तक स्वयं भगवान वैकुंठनाथ पधारे हैं, और नारद जी के देखते देखते ही जयमाल विश्वमोहिनी जी ने उनके गले में डाल दी, एक ओर लक्ष्मी जी गरों पे, दूसरी ओर विश्वमोहिनी जी को बैठा कर भगवान वहां से प्रस्थान कर दिए। नारद जी ने जैसे ही देखा है, नारद जी से यह बात सहन नहीं हुई, और तब देवर्षि नारद जी ने, बीज ही पंथ मिले दन जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, एक नहीं दो दो बहुओं को बैठा के भगवान जा रहे हैं, और नारद जी कहां सहन कर सकते थे। उसी समय नारद जी ने खूब गालियां देना आरंभ कर दिया, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, आप स्वार्थी हो, कुटिल हो, कपटी हो, अपना ही काम बनाने वाले, खूब गालियों की लाइन लगाई, और फिर भी ठाकुर जी हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। नारद जी ने कहा आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता हम इतना कुछ बोल रहे हैं। बोले प्रभाव क्या पड़ेगा, अभी ब्याह करके आए, ब्याह के बाद तो एक रिवाज होती है गालियां दी ही जाती है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ब्याह की रस्मी पूरी कर रहे हो, हमारा विवाह अच्छी तरह पूरा करा लो। अब तो नारद जी और क्रोध में चढ़ गए। तब नारद जी ने वहां शापित कर दिया, राजकुमार का सुंदर रूप बना के, और जिस कन्या से हम विवाह करना चाहते थे उसको आप ब्याह कर ले आए। हे प्रभु मैं शापित करता हूँ आपको, आपने राजा के रूप में मेरे से छल किया है, मेरा विवाह नहीं होने दिया। जब आप स्वयं दशरथ जी के यहाँ राजकुमार बनेंगे तो आप भी सीता जी की अपनी प्रिया के विरह में वन वन में घूमेंगे। आपने हमें वानर रूप दिया, ये वानर ही आपकी उस काल में सहायता करेंगे। अब ये सारी भूमिका भगवान ने अपनी इच्छा से ही बनाई थी, क्योंकि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। तो भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा लिया तो नारद जी क्या देख रहे हैं, ना तो माँ विश्व मोहिनी है, ना माँ लक्ष्मी जी है,
और अब तो तब उन्होंने अति सभी का हरी चरणा, उसी समय भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मैंने बड़ा अपराध किया, ये क्या शाप आपने मेरे से दिलवा दिया, बहुत बड़ा अपराध। भगवान ने कहा, नारद जी घबराइए मत, ये शाप भी क्या आप मेरी इच्छा के बिना हमें दे सकते थे? इस शाप में भी मेरी ही इच्छा प्रधान है, इसलिए चिंता मत करिए, सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तो नारद जी शापित किए हैं और प्रिया का वियोग प्रकट करने के लिए, उनका वचन सत्य करने के लिए श्री राम जी ने वन वनांतर की लीला की है। वन वनांतर में सीता जी के विरह में कैसे घूमे हैं, कैसी व्याकुलता, कैसी एक दीनता दिखाई है राम जी ने वो नारद जी का वचन पूर्ण करने के लिए। तो बहुत से कारण अवतरण में रहे पर ध्यान रहे, अगुण अमान अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। जो भी कारण रहे हैं लेकिन सबके मूल में है कि भगवान सगुण साकार विग्रह जब जब भी धारण करते हैं तो उसमें केवल भक्ति ही प्रधान होती है। कल भी हम लोग ये उदाहरण सुन चुके हैं, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, और आकार नहीं होता इसलिए उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। पकड़ोगे तभी जब किसी आकार में, जैसे कटोरी है उसका एक आकार है, गिलास है उसका अपना एक आकार है, उसमें जब जल भर दिया जाएगा तो जल पकड़ा जा सकता है। ऐसे कोई हाथ में पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ा जा सकता। तो जल पकड़ में आ जाए इसके लिए जल को एक विशेष टेम्परेचर दे दो, उसको फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाए फिर कोई भी पकड़ सकता है। तो भगवान रामचरितमानस में जगह जगह ये बात लिखी है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती राम जी तक, वहां वाणी पहुंच नहीं सकती, इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, पर ध्यान रहे हमारा मन हमारी वाणी तो नहीं पहुंच सकती है, पर ये राम जी की करुणा है कि वो ही हमारे मन वाणी तक पहुंचने के लिए एक रूप ग्रहण करके, एक आकार ग्रहण करके अवतरित होकर चले आते हैं। हम ही तो नहीं पहुंच सकते उन तक, लेकिन वो तो हम तक पहुंच सकते हैं, और हम तक पहुंचने के लिए ही वो एक आकार धारण करते हैं, वो एक भूमिका लीला की बनाते हैं, और उस भूमिका के अनुसार भगवान इस धराधाम पर आते हैं, अपनी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा लोक कल्याण करते हैं, लोगों को सुख देते हैं। और यही बाल लीला जब अयोध्या पुरी में आरंभ हुई है, अयोध्या धाम में भगवान की बाल लीला जब आरंभ हुई है, तो कालभूषणी जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का बड़ा लाभ लिया है। लेकिन ध्यान रहे ये लीलाएं ऐसी हैं कि बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल देती हैं, मोहित कर देती हैं। कालभूषणी जी जब आए हैं राम जी के निकट तो कालभूषणी जी को भी मोह हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये दशरथ जी का ही बालक हो, हम वैसे भगवान के स्फेर में पड़ रहे हो, वैसे ब्रह्म में पड़ रहे हो। तो श्री कालभूषणी जी ने देखा, चिते मात तन लागी भूखा और सजल नयन कह मुख करी भूखा। छोटे से राम जी हैं और मुंह सूख गया है, भूख लग रही है, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, माँ 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 करके रो रहे हैं, मचल रहे हैं, कौशल्या मैया का आंचल पकड़ के मचल रहे हैं। कालभूषणी जी ने कहा, ये वही है जो विश्वम्भर है, अपने संकल्प से सारे विश्व का पेट भर सकता है, अरे इससे अपना पेट तो भरा नहीं जा रहा है, दुनिया का पेट क्या भरेगा, मोह हो गया। और उस मोह के चक्कर में कालभूषणी जी उड़ के वहां से चले गए। अब जैसे ही उड़ के जाने लगे तो उसी समय क्या देखा, जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं श्री राम जी का हाथ उनके पीछे चला आ रहा है। कालभूषणी जी ने सोचा कि चक्कर क्या, हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये पीछा छोड़ने नहीं देते। जहां जहां जा रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं राम जी का चरण, राम जी का हाथ दिखाई पड़ रहा है। राम जी बताना चाहते हैं, कालभूषणी जी आप कहीं चले जाओ, आप रहोगे तो हमारी छत्र छाया में ही। अरे आदमी चाहे गुफा में पहुंचे चाहे जल में समाधि ले ले, रहेगा तो आकाश के नीचे ही, आकाश से बाहर तो कहां चला जाएगा। तो आप चाहे जितना भागो लेकिन आप रहोगे हमारी छत्र छाया में। और कालभूषणी जी देख रहे हैं राम जी का हाथ आ रहा है पीछे पीछे, पर राम जी के हाथ में और कालभूषणी जी में दो अंगुल की आप फासला है, दो अंगुल का अंतर रह जाता है। वो दो अंगुल की क्या है, वो कमी है। एक कमी साधक के पक्ष से होती है और दूसरी कमी भगवान की कृपा की।
हम साधन कितना भी करें, खूब भजन करें, व्रत करें, दान करें, तीर्थ घूमे, तप करें, पर अगर भगवान की कृपा न हुई तो क्या भगवान मिल जाएंगे? और भगवान की कृपा हो, हम सोचें भाई साधन भजन की क्या जरूरत। प्राय लोग ऐसा कह देते हैं, किसी को कहो भाई आओ धाम में, आओ बरसाना, आओ वृंदावन आओ, तो लोगों के मुंह से क्या निकलता है? एक ही बात, अरे जब ठाकुर जी बुलाएंगे, जब वो कृपा करेंगे। अरे कृपा तो निरंतर हो रही है, हम कृपा देख कहाँ पा रहे हैं? लड्डू सामने रखा रहता तब तो हम नहीं सोचते हैं कि राम जी जब कृपा करेंगे लड्डू अपने आप मुंह में चला जाएगा तभी खाएंगे। उसके लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए भी तो दांत चलाने पड़ते हैं, हाथ से लड्डू उठाना पड़ता है, आंख से देखना पड़ता है। हम लोग संसार में तो पुरुषार्थ प्रधान हो जाते हैं और भक्ति मार्ग में कृपा प्रधान हो जाते हैं, और कृपा प्रधान भी कृपा के धोखे में रहते हैं। अरे कृपा तो सदा ही हो रही, कृपा तो हमेशा हो रही है। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए, नातेदार के यहाँ जाए, किसी संबंधी के यहाँ जाए, तब तो हम नहीं सोचते कि भगवान की कृपा होगी, जब वे कहेंगे तभी जाएंगे। सोचते हैं क्या? किसी के विवाह में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तब नहीं सोचते भगवान कृपा करेंगे तभी जाएंगे, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन भगवत धाम में जब जाना हो, भगवत भक्ति की बात हो, तो आदमी कृपा के धोखे में अपने आप को रख देता है। कृपा तो निरंतर है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हमारे ऊपर कृपा नहीं है। बिना कृपा के हम जी भी सकते हैं क्या? सांस भी ले सकते हैं क्या? ये कृपा ही है, हम तो जीवित हैं, इससे बड़ी कृपा क्या है? इतनी अनुकूलता जीवन में है, इससे बड़ी कृपा क्या है? ये कृपा है श्री ठाकुर जी। तो दो अंगुल की कमी रह रही थी, एक साधक के पक्ष से हो जाती है, एक कृपा के पक्ष से हो जाती है। और भगवान कृपा करने जीव अपना पुरुषार्थ करता रहे, जहां ये दोनों कमियां पूरी हुई तो उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो कहा गोस्वामी जी जान गए कि जब हम भगवान की छत्र छाया में जहां जहां जा रहे हैं वहीं राम जी का हाथ। तो राम कहा गोस्वामी जी समझ गए कि राम जी कोई दशरथ जी के साधारण केवल राजकुमार ही नहीं है, ये तो वास्तव में भगवान ही है, जगदाराध्य जगदीश्वर सर्वेश्वर भगवान ही है। घूम फिर के वही दशरथ जी के आंगन में आ गए, और जैसे ही आंगन में आए तो राम जी ने पूछा, कहा गोस्वामी जी क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल है, समझ गए? तो कहा गोस्वामी जी ने कहा, हाँ प्रभु समझ गए। क्या समझे? बोले यही समझे कि आप सब जगह हैं। अच्छा इतना ही समझे और दूसरी बात नहीं समझे? बोले और तो कुछ नहीं समझे, इतना समझ गए कि आप सब जगह हैं। राम जी ने कहा, चलो अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, अभी दूसरी बात और समझाते हैं। उसी समय राम जी हंसे और कहा गोस्वामी जी महाराज राम जी के मुंह में चले गए सांस के साथ, और छोटे से बालक के राम जी के मुंह में चले गए। और वहां कहा गोस्वामी जी महाराज क्या देखते हैं, हमें एक वन पर्वत अयोध्या, अयोध्या में राम जी खेल रहे हैं, अपना आश्रम भी देखा, वहां कुछ दिन रहे भी, भजन भी किए, और जबकि ये तमाशा केवल दो घड़ी चला और उसमें ही कहा गोस्वामी जी ने देख लिया, इतने दिन वहां आश्रम में रह लिए फिर अयोध्या। और कहा गोस्वामी जी सोच रहे हैं राम जी में अयोध्या है कि अयोध्या में राम जी हैं, लेकिन बुद्धि जगरा रही कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर राम जी के उधर में कहा गोस्वामी जी देख रहे हैं अयोध्या, अयोध्या में राम जी और हैं कहाँ? राम जी के पेट में खुद हैं। अब जैसे ही राम जी हंसे तो कहा गोस्वामी जी फिर बाहर आ गए। राम जी बोले, कहा गोस्वामी जी समझ गए? बोले प्रभु अब तो ऐसा लगता है जो पहले समझा था वो भी भूल गया, अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या समझा। ऐसा भी लगता है कि आप सब जगह हैं, और ऐसा भी लगता है कि आप सब में हैं और सब आप में हैं। राम जी बोले हाँ ये पक्की बात, अब तुम समझ लो, पहले तो आधी ही बात समझे थे, अब पूरी बात समझ गए, हम में सब हैं और सब में हम हैं। यही ज्ञान भगवान को काल गोस्वामी जी महाराज को कराना था, और जैसे ही काल गोस्वामी जी महाराज को यह ज्ञान हुआ है, विचित्र ज्ञान भैया, कहने कहने का और दृष्टि दृष्टि का अंतर है। धर्म तीन दृष्टिकोण है, जैसे कोई लकड़ी की चीज है, अब कोई व्यक्ति कहे कि देखो ये कुर्सी ये टेबल सब लकड़ी की है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये लकड़ी में ही है, तीसरा कहेगा नहीं ये लकड़ी ही है। अब बात तो तीनों की एक है, कहने कहने का अंतर है।
तो तीन दृष्टिकोण है। धर्म कहता है सब भगवान हैं, ज्ञान कहता है भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, और भक्ति कहती है भगवान में ही सब है। पर बात तो तीनों एक ही है, अलग अलग बस कहने भर का अंतर है। सब में भगवान है या सब ही भगवान है या भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, तीनों बातें एक ही हैं, बस कथन कथन का, केवल कहने कहने भर का अंतर है। तो कालभूषण जी महाराज को भगवान ने अपने दोनों स्वरूपों का ज्ञान, हम सब में हैं और सब हम में हैं, हम तो हम ही हैं, यही ज्ञान भगवान को कालभूषण जी को कराना था, और कालभूषण जी को ये ज्ञान भगवान ने कराया है। इसके पश्चात राम जी की जो भैया बाल लीलाएं हैं, ये बाल लीलाएं अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर सुंदर राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कवितावली आदि अपने ग्रंथों में पदों के रूप में पद्यानुवाद में राम जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और भगवान राम और कृष्ण दोनों की बाल लीलाओं में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। यद्यपि कहीं कहीं दोनों की लीलाओं में बड़ी समानता भी मिल जाती है, जैसे अध्यात्म रामायण में भी लिखा है शिक्यस्थम पातयामास गव्यम च नवनीतकम्। राम जी को भी गौरस बहुत प्रिय है, छोटे से हैं राम जी, और हमारे कन्हैया को भी गौरस बहुत प्रिय है। ऐसा लिखा है कि राम जी ने भी चोरी कर करके दूध दही माखन को खाया, लेकिन रामावतार में राम जी चोरी खुलकर नहीं कर पाए। अब ज्यादा खुलकर चोरी करेंगे तो फिर लोग भी केवल चोरी का ही आदर्श, उनको चोरों का आदर्श समझ लेंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा भी है चोरी लीला की तो सही, लेकिन खुल के लीला नहीं कर पाए। गौरस चाखन रुचि बहुत गोचारण सुख हेत, और द्वापर भय बलराम कृष्ण लीला कर सुख देव। गैया चराने की इच्छा भी बहुत थी, और राजा के बेटा है, गैया चराएंगे तो बेइज्जती नहीं होगी, कैसे ग्वालिया बन सकते हैं, वे राजकुमार हैं। गोचारण की इच्छा थी, पर इच्छा इच्छा ही रह गई। दूध दही की चोरी की बड़ी इच्छा थी, पर वह इच्छा ही रह गई। लेकिन ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि एक बार जब परशुराम जी का अवतार हुआ था तो परशुराम जी महाराज सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर रहे थे, जहां जो क्षत्रिय दिखाई पड़ता मार डालते, क्योंकि उस समय क्षत्रिय बड़े उद्दंडी हो गए थे। तो दशरथ जी डर गए कि हमारे बालकों को भी कहीं ऐसा ना हो, भय है परशुराम जी यहाँ आ जाए, इनका क्या भरोसा किसको समाप्त कर दे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि परशुराम जी गौभक्त है, आप अपने चारों बालकों को लेकर और अपने खिरक में जहाँ गायें बंधती हैं गोष्ठ में गौशाला में रहिए, गौशाला में रहेंगे तो परशुराम जी जान जाएंगे कि ये कोई गौभक्त है, ये उद्दंडी क्षत्रिय नहीं है। तो 5 वर्ष तक दशरथ जी महाराज अपने चारों बालकों को लेकर गौशाला में ही रहे हैं, और वहां गौशाला में राम जी ने खूब तो दूध पिया है, खूब दही खाया है, खूब माखन खाया है और खिलाया है, मतलब तरह तरह से श्री राम जी ने गौरस का पान किया है। और श्री रघुनाथ जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों की संबंध में जो अंतर है वह यही है, राम जी तो बहुत सीधे साधे हैं और श्री ठाकुर जी चौर जार शिखामणी हैं। इसलिए देखो राम जी को दिन दहाड़े आए, दिन के 12 बजे, और चोर कब आता है, रात में आता है, तो श्री ठाकुर जी रात्रि के 12 बजे वो भी आए, 12 बजे ये भी आए, दोनों आए अभिजित मुहूर्त में, पर वो दिन के 12 बजे आए और ये रात्रि के 12 बजे आए। और महात्मा लोग बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, इनकी सब लीलाएं ही रात में हुई हैं श्री ठाकुर जी की, बड़ा सुंदर ब्रज में भाव गाया जाता है। सोए गए सब पहरे वारे, आप ही खुल गए द्वार के।
तारे गजब करी डारोरी या कारी का मरवारे ने। रात में ही मथुरा से गोकुल को भागे हैं, सब पहरेदार भी सो गए, सब द्वार भी खुल गए। और जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, यमुना ने चरण पखारेरी या कारी का मरवारे ने। गजब करी डारेरी या कारी का मरवारे ने। सब काम रात में, यमुना जी को भी रात में दर्शन दिए, गोकुल में रात में पहुंच गए हैं, भैया को भी रात में पा लिए हैं, वसुदेव जी को भी रात में विदा कर दिए हैं। अच्छा, श्री ठाकुर जी आए हैं अष्टमी को और राम जी आए नवमी को, नवमी तिथि को। अब नौ का अंक जो होता है ना, वो बड़ा सीधा होता है, बहुत सीधा अंक है। आप नौ का पहाड़ा अगर बोलें तो 9 1 9 9 2 18 है ना, तो 8 और 1 9। इसी तरह से 9 3 27, तो 7 और 2, और इसी तरह से 9 4 नहीं आता 36, तो 6 और 3, और उसके आगे तो 5 और 4, और 9 6 जा तो 5 और 4, और 9 7 जा 3 और 6, और 9 8 जा और 7 2 9, और 9 9 जा 8 और 1, और 9 10 जा बचा 9। तो शुरू से आखिर तक 9 ही रहा। और ये महाराज कब आए हैं अष्टमी को। अब 8 का टेबल देखो, 8 1 जा 8, और 8 2 जा 6 और 1 7, घटना शुरू हो गए। और 8 3 जा 4 और 2 6, और घट गए। फिर 8 4 जा और घट गए, 5 ही रह गए। और 8 6 जा 8 5 जा 4 रह गए और घट गए। और 8 6 जा 8 और 4 12, एकदम फिर बढ़ गए और फिर घटेंगे, और लेकिन आखिर में 8 10 जा तो 8 ही रह जाएगा। तो राम जी तो नवमी को आए, 9 का अंक ही इतना सीधा है कि शुरू से आखिर तक गिन लो 9 ही रहेगा। और 8 का अंक ही इतना टेढ़ा है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, फिर बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, इतना टेढ़ा अंक है 8 का। लेकिन प्रारंभ में भी 8 था और आखिर में भी 8 रह गया। तो श्री ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि भाई भले ही हम कितने भी टेढ़े रहे, पर जो शुरू में थे वही आखिर में, बीच में उतार चढ़ाव आ जाता है। अरे उनका नाम बांके बिहारी ऐसे थोड़ी, बांके का मतलब क्या होता है, बांके शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो टेढ़ा भी है और जो सुंदर भी है। देखो जो टेढ़ा होता है वो सुंदर नहीं हो सकता, और जो सुंदर है वो टेढ़ा नहीं हो सकता, पर ये बांके बिहारी टेढ़े भी है और सुंदर भी है। तो भले ही बीच में चाहे जितने उतार चढ़ाव आते रहें, उल्टा सीधा मामला होता रहे, पर जो शुरू में है वही आखिर में है। अष्टमी तिथि को जन्म लेकर श्री ठाकुर जी यही लोगों को बताना चाहते हैं। और नवमी श्री राम जी तो इतने सीधे हैं, इतने बुरे हैं, चाहे जहां से जोड़ लो चाहे जहां से देख लो, 9 का अंक 9 ही रह जाता है, 9 का 9 ही रह जाता है। और यही राम जी ऐसी सुंदर सुंदर इनकी बाल लीलाओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक बहुत सुंदर पद है श्री राम जी के नामकरण लीला का, बहुत सुंदर पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाया है, हम लोग भी इस लीला का आनंद लेंगे। अवध में आत्मी एक आयो, आत्मी एक आयो,
यानी अयोध्या में एक बार एक ज्योतिषाचार्य आए। ये ज्योतिषाचार्य कौन है? स्वयं शंकर जी ही ज्योतिष के रूप में, ज्योतिषाचार्य के रूप में आए हैं। कुशक जी ने कहा अकेले मत जाइए, हमें भी साथ में लेके चलिए। शंकर जी ने कहा तो ठीक है, हमारा झोला उठा लो, पीछे पीछे चेला उठ के चलो। तो कहा कुशक जी महाराज उनका झोला उठाए, बहुत उठाए, चेला बन के पीछे पीछे चल रहे हैं। सारी अयोध्या में हल्ला मच गया। अवध में और रेखा भी दिखानी हो, भाग्य भी पूछना हो तो दोनों को ले चलिए।
अजा के सेविका ने भीतर कहा कौशल्या मैया को ऐसे ऐसे गुरु चेला आए हैं। मैया ने कहा कोई बात नहीं, दोनों को भीतर ले आओ। बाबा जी के साथ अपने बालकों को नहीं भेजूंगी, क्या भरोसा।
नारद की तरह दक्ष के बालक सब बाबा जी बना दिए, हमारे राजकुमार भी बाबा जी बना दिए, तो क्या भरोसा मैं किसी बाबा जी के साथ अपने बालक नहीं भेजूंगी। तब तक क्या किया राम जी ने, छोटे से राम जी ने फिर शंकर जी की जटा खींच ली कि सब लीला उल्टी करेंगे क्या, सब बातें बताने की क्या जरूरत है। तो तुरंत शंकर जी ने सी स्वयंवर गाया, बोले मैया घबरा मत, बाबा जी नहीं बनेंगे, उन महात्मा के साथ जाकर तो ये वधू लेकर लौटेंगे, इनका ब्याह होगा, अब तो मैया बड़ी प्रसन्न, तब तो जरूर भेजूंगी। और यही नहीं, सन्मान्यो महादेव आशीष चाहती तो शंकर जी की पोल खोल के पार्वती जी वहीं से दरवाजे से विदा करा सकती थी, लेकिन भगवती ने कृपा की और राम जी के दर्शन में कागभूषणी जी को और शंकर जी को जो दर्शन हुआ उस सब का श्रेय श्री भगवती पार्वती जी को ही मिला, पार्वती जी का ही सब योगदान रहा। तो शंकर जी ने इस तरह से बाल लीला का दर्शन किया है और नामकरण संस्कार ज्योतिष तो एक दो दिन बाद ही शंकर जी ज्योतिषाचार्य के रूप में, क्योंकि राम कृष्ण शंकर जी के आराध्य देव पृथ्वी पर आ जाए तो शंकर जी को कैलाश में चैन नहीं पड़ता, वहां भी कृष्ण जन्म में ढाणी और भाट बन के शंकर जी ब्रह्मा जी जन्मोत्सव में आए हैं, फिर ज्योतिष का रूप बनाकर आए हैं, एक सुत योगी का रूप बना के कृष्णावतार में आए हैं, राम जन्म में भी अगले ही दिन शंकर जी पहुंच गए हैं, बालक थोड़े बड़े हुए नामकरण का अवसर आया, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर मन मंदिर में विहरे। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज नामकरण लीला का गान किए हैं
चारों भाइयों का नाम रखा गया श्री गुरुदेव के द्वारा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा। सबसे पहले श्री राम जी का नामकरण संस्कार हुआ, फिर भरत जी का हुआ, और भरत जी के बाद होना चाहिए था लक्ष्मण जी का, क्योंकि शत्रुघ्न जी से लक्ष्मण जी बड़े। पर पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण, उसके बाद लक्ष्मण जी का नामकरण वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं शेष भगवान का अवतार, शेषावतार, और शेष ही इस पृथ्वी का आधार है। तो आधार नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? आधार सदा नीचे रहता है। इसलिए लक्ष्मण जी का नामकरण होना पहले चाहिए था, लेकिन हुआ सबसे बाद, क्योंकि ये आधार है, शेषावतार है। उसके अलावा अगर कोई चक्राकार नाम रखे, राम जी का नाम, फिर भरत जी का नाम, फिर अगर लक्ष्मण जी का नाम रख दे, तो फिर शत्रुघ्न जी का नाम, और शत्रुघ्न जी के बाद फिर राम जी का नाम। पर लक्ष्मण जी ये नहीं चाहते कि हमारे और राम जी के बीच में कोई आए, इसलिए पहले राम जी का नाम, फिर भरत जी का नाम, फिर शत्रुघ्न जी का नाम रखा, और उसके बाद लक्ष्मण जी का नाम सबसे आखिर में गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने रखा है। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी के जैसा श्री राम जी के प्रति ऐसा भाव रखने वाला भला कौन हो सकता है। चार भैया थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन श्री राघवेंद्र सरकार ने, रामलला ने पहली बार कौशल्या मैया को माँ शब्द से संबोधित किया। माँ माँ पहली बार राम जी बोले। कौशल्या मैया चौंकी, लाला बोलना सीख गया है, अभी से इसके अंदर संस्कार डाल दिए जाएं। कैसे संस्कार? बोले संयुक्त तो परिवार के संस्कार डाल दिए जाएं। कौशल्या मैया बोली, लाला क्या कहा? बोले माँ माँ। बोले ना, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तो कौन है तेरी माँ? केकई जी बगल में बैठे थे। बोले ये तेरी माँ है और मैं भरतलाल की माँ। भरत जी को केकई मैया कौशल्या जी के प्रति माँ शब्द का संबोधन कराती थी, और राम जी से माँ शब्द का संबोधन केकई जी के प्रति कौशल्या मैया कराती थी। ये है राम जी का परिवार, जहाँ परस्पर कोई भेद बुद्धि है ही नहीं, भेदभाव है ही नहीं। राम जी ने पहली बार माँ शब्द का संबोधन किया, तो वो माँ शब्द सुनने का सौभाग्य कौशल्या मैया ने केकई जी को ही दिया है। ये तुम्हारा ही वत्सल है। और इतना लाड लड़ाती थी केकई मैया राम जी को, इतना लाड लड़ाती थी कि एक निश्चित अवस्था आने पर राम जी को यह ज्ञान हुआ कि केकई नहीं, कौशल्या हमारी माँ है। अन्यथा भरत जी तो कौशल्या जी को ही माँ समझते रहे, और राम जी केकई जी को ही माँ समझते रहे। थोड़े थोड़े बालक जब बड़े हुए, अब थोड़ा बहुत बोलना राम जी को जब आ गया, तो एक दिन ये लीला श्री कृष्ण कृष्णावतार की बाल लीला में भी है और राम जी की बाल लीला में भी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में इस लीला को गाया है। एक बार राम जी जब थोड़े से बड़े हुए, तो कौशल्या मैया लाला को गोद में लेकर खिला रही थी। सुंदर चंद्रमा उज्जवल धवल आकाश में चमक रहा था। तो मैया मैं चंद खिलौना लई हूँ, जैसे कृष्णावतार में ठाकुर जी ने कहा, मैया ये चंदा है ना, जो ये खिलौना ही हमें चाहिए, इतना गोरो गोरो खिलौना है। ऐसे ही यहाँ कबहू ससी मांगत आरी करे, तो स्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है, चंद्रमा को चाहते ये खिलौना मुझे चाहिए। तो श्री कौशल्या मैया कहती हैं, जननी की साड़ी को अंचल गही उठे राम, मैया को चंद देहु वचन उचारे हैं। मैया को आंचल पकड़ लिया, मैया यही खिलौना चाहिए, और कुछ नहीं, हाथी घोड़ा सब फेंक फांक दिए, यही खिलौना चाहिए। तो कौशल्या मैया बोली, अरे लाला ये कैसी जिद तेने पकड़ ली, भूतल पे चंद को उतारे वो कहा खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। अरे आकाश से चंद्रमा को धरती पर उतारना ये कोई खेल थोड़े ही है, ये काम मैं नहीं कर सकती, तुझे और जो चाहिए सो ले, पर ये मेरे से होना संभव नहीं है।
लेकिन पर सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे के है, सर्वशक्तिमान सुत होए के पधारे हैं, और भूतल पे चंद्रमा को उतरिबो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। राम जी मन ही मन सोच रहे, भैया तेरे लिए इस चंद्रमा को धरती पे उतारना कैसे कठिन हो सकता है, तुमने तो साक्षात रामचंद्र को ही धरती पे उतार लिया, और जिसने रामचंद्र को धरती पे उतार लिया उसके लिए साधारण चंद्रमा को उतारना कौन बड़ी बात है, ये तो खेल है उसके लिए। कौशल्या भैया जैसे कृष्णा अवतार में यशोदा भैया, ऐसे ही यहाँ कौशल्या भैया सुंदर स्वर्ण की थाली में और जल भर के श्री रघुनाथ लला को, राम लला को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती हैं, और लाल जी उस जल में छप छप करते हुए उस चंद्रमा के प्रतिबिंब से ही खेल रहे हैं, इतने नादान इतने अबोध बन गए। यही तो बाल लीला है, जहाँ बालक को अपना कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, यही बाल लीला है, यही बाल स्वभाव है। और सुंदर उस जल थाल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के साथ श्री रघुनाथ जी खेलते हैं, और यही खेल यही नृत्य देखने के लिए बार बार श्री काग भुशुंडी जी महाराज पधारते हैं श्री अयोध्या जी में महाराज दशरथ जी के भवन में। एक बार श्री रामलला का सुंदर नृत्य काग भुशुंडी जी महाराज ने देखा है। नृत्य एक बार एक किसी उपासक ने खूब उपासना भगवान की थी, भगवान प्रसन्न हुए। हाँ बोलो भैया क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु क्या है आपके पास देने के लिए? बोले अरे ये कोई प्रश्न है क्या है, जो चाहते हो ले लो, माया चाहते हो माया ले लो, भक्ति चाहते हो भक्ति ले लो। बोले लेंगे तो तब पहले अंतर बताओ, माया का मतलब क्या, भक्ति का मतलब क्या? तो भगवान बोले देखो तुम्हें नाचना हो तो माया ले लो, और हमें नचाना हो तो भक्ति ले लो, तुम्हें खुद बंधना हो तो माया ले लो, और हमें बांधना हो तो हमारी भक्ति ले लो। एक बात जरूर ध्यान रखने की है, नाचने वाला थकता है, नाच देखने वाला नहीं थकता। और बढ़िया नृत्य हो रहा हो, नाचने वाले के पसीने छूट रहे हो, और देखने वाला फिर कहे और नाचो थोड़ा सा और नाचो, अबे नाचने वाले को तो पूछ लो उसकी बेचारी की क्या हालत हो रही है। तो श्रम नाचने वाले को होता है, नाच देखने वाले को नहीं होता। हम लोग अनादि काल से नाच रहे हैं, सूजा जी का पद है अब मैं नाचो बहुत गोपाल, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा नाचत ही निश दिवस मरियो कबहु न नाथ नींद भर सोयो, हे नाथ सारा जीवन नाचते नाचते निकल गया। तो नाचते नाचते अब इतनी थकान हो गई है शरीर में कि थकान कैसे उतारें? तो राम जी बोले किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां किसी दूसरे का नाच हो रहा हो, और वहां तुम बैठ के देखो तो तुम्हारी थकान उतर जाएगी। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई दूसरा नाचे और हम बैठ के देखें? जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे, सबको नचाने वाले कौन है? भगवान श्री राम। और वे श्री राम या वे श्री कृष्ण जिस जगह नाच रहे हैं, कहाँ नाचते हैं? भक्ति नृत्यति यत्र च, वृंदावन में जाके देख लो तो आज भी श्री ठाकुर जी नाच रहे हैं। वहां जाके बैठ जाओ हमारा नाचना खत्म और उनका नाचना शुरू हो जाएगा। वृंदावन पहुंच जाओ तो ठाकुर जी का नाचना शुरू और हमारा नाचना बंद। अयोध्या पहुंच जाओ तो राम जी का नाचना शुरू और हमारा नाचना बंद। इसलिए आज भी ब्रज में सब भाव गाए जाते हैं, ब्रजवासी जन गाते हैं नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नाचे नंदलाल।
Oh, my goodness, I'm
जिसका उद्धार श्री भगवान के द्वारा हो रहा है उसके सौभाग्य में कमी कहाँ हो सकती है। उन असुरों को भी उद्धव जी ने महाभागवत कहकर प्रणाम किया, उन्होंने मैं तो असुरों को भी भक्त मानता हूँ। तो बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, अवस्था वही उत्तम है जहाँ रहकर अपने इष्ट की बढ़िया स्मृति हो, अपने इष्ट का बढ़िया भजन हो, बढ़िया दर्शन हो, वो अवस्था सबसे उत्तम हो। और सुखदेव जी को तो देखो गर्भ से बाहर 12 साल हो गए, बाहर ही नहीं आना चाहते। अब कितना कष्ट है गर्भ में पर बाहर ही नहीं आना चाहते, क्यों? बोले यही पेट में, भीतर मैया के पेट में भजन बढ़िया हो रहा है तो हमारे लिए यही स्थान सबसे उत्तम है। अरे तुम्हारे लिए तो स्थान उत्तम है, मैया की भी तो सोच लो। 12 वर्ष बाद भगवान के कहने पर सुखदेव जी महाराज बाहर आए। भक्त के लिए और कोई अनुकूलता अनुकूलता नहीं, कोई प्रतिकूलता प्रतिकूलता नहीं, भगवान के भजन में जो परिस्थिति बाधा देते वही सबसे बड़ी प्रतिकूलता है, और जिस परिस्थिति में भगवान का बढ़िया भजन बने वही सबसे बड़ी उसके लिए अनुकूलता है, यही सच्ची अनुकूलता है। तो भरत जी ने कहा पक्ष विपक्ष हम नहीं जानते, हमें तो जहाँ खड़े होके राम जी का दर्शन बढ़िया हो रहा है हमारे लिए वही सबसे उत्तम है। राम जी ने गेंद चलाई है, पैर से ठोकर मारी है, और श्री भरत जी ने जितनी जोर से राम जी ने ठोकर गेंद को लगाई उससे दुगने शक्ति से भरत जी महाराज ने उस गेंद को राम जी की ओर धकेल दिया। ऐसा क्यों किया? क्या भरत जी राम जी को हराना चाहते हैं और स्वयं जीतना चाहते हैं? भरत जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा भाव नहीं है। भरत जी महाराज ने मन ही मन विचार किया ये गेंद भी कितनी सौभाग्यशाली है जिसको राम जी के चरण छूने का सौभाग्य मिला, लेकिन इसका अभागापन तो देखो, उनके चरण पाकर फिर ये संसार की ओर दौड़ना चाहती है, भगवान के चरणों को छोड़कर फिर जो संसार को पकड़ना चाहे। भरत जी कहते हैं उसने तो संसार को ऐसी ठोकर लगानी चाहिए कि फिर से उसका संसार छूट जाए और राम जी के चरण वो पा ले। भक्तों के जीवन में कभी कभी इतनी प्रतिकूलताएं आती हैं। देखो नरसिंह जी के जीवन में अगर भावी दुर्गता दुत्कार के बाहर न करती तो नरसिंह जी को क्या भगवान की स्मृति हो सकती थी? सुग्रीव को यदि बाली से पराजय न मिलती तो सुग्रीव जी को क्या राम जी की शरण की याद आ सकती थी? ध्रुव जी महाराज को अगर सौतेली माता इस तरह से फटकार के बाहर न निकालती तो क्या भगवान की शरण ले सकते थे? कभी कभी जीवन में प्रतिकूलताएं भक्ति का वरदान लेकर आती हैं, इसलिए प्रतिकूलताओं से घबराए ना, उसको भी भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लो। पता नहीं इसमें भी कौन सा विधान हो, अरे प्रतिकूलता में जितनी भगवान की स्मृति होती है उतनी अनुकूलता में भी नहीं हो पाती है। तो राम जी के चरण छोड़कर अगर कोई जीव संसार में जाए तो भगवान संसार से ही ऐसी ठोकर दिलाते हैं कि उसको घूम फिर के फिर राम जी के चरणों में ही आना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद है सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, अरे मूढ़ मन मेरी सीख मान ले। रघुपति पद विमुख लयो न काहू सुख यह सच समझ सवेरो। राम जी के चरणों को छोड़कर कभी जीव को कहीं सुख मिला नहीं है, इसलिए हे मूढ़ मन राम जी के चरणों में ही तू लगा रहे। सो सुख धाम राम रसनामा अखिल कोटि दायक विश्रामा। राम जी के चरणों में पहुंचे बिना विश्राम नहीं मिलेगा। भरत जी ने सोचा अगर इसको इस गेंद को फिर से राम जी के चरणों में नहीं पहुंचाया तो ये गेंद आती ही जाती रहेगी कभी इधर कभी उधर, जैसे चौगान की गेंद होती है ना फुटबॉल में, कोई किधर से पैर मार रहा है, कोई किधर से पैर मार रहा है, कोई किधर से पैर मार रहा है। संसार की ठोकरें खानी ही पड़ेगी जब तक श्री राम जी के चरणों का आश्रय नहीं ले लिया जाएगा। भरत जी ने दुगने शक्ति के साथ गेंद पर जोर से प्रहार किया जिससे ये गेंद ये कंदुक फिर से श्री रघुनाथ जी के चरण शरण में पहुंच जाए, फिर से श्री राम जी के चरणों में पहुंच जाए। और राम जी का और उनके अन्य भाइयों का ऐसा ही खेल भरत जी महाराज ने जब गेंद मारी है तो राम जी ने फिर से गेंद को मारा, फिर से गेंद पर चरण से ठोकर का प्रहार किया। हे प्रभु अब आपने ठोकर का प्रहार क्यों किया?
तो राम जी का यह भाव है कि मेरे चरण पकड़ने से ही अगर संसार से छूट जाते तो राम जी ने अपने चरण से पहले भरत जी महाराज की ओर गेंद मारी। लेकिन ध्यान रखें, भगवान के चरणों का आश्रय लेने से जरूरी नहीं कि जीव गौसागर पार हो जाए, पर उनके भक्त के चरण का आश्रय ले ले तो 100% गौसागर से पार हो जाए। तो राम जी उस कंदुक को फिर भरत जी की ओर फेंक दिए, नहीं नहीं हमारे चरण मत पकड़ाओ, चरण तो आपके ही सार्थक है। गरुण पुराण में लिखा है, सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्चित सेविना निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मना। भगवान के चरण पकड़ने से गौसागर जीव पार होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, लेकिन तद्भक्त परिचर्या, अगर उनके भक्तों की परिचर्या, भक्तों के चरण पकड़ लिए तो राम जी के चरण पकड़ने से गौसागर पार हो ना हो, लेकिन मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम के अधिक राम कर दासा। और राम जी स्वयं नवधा भक्ति में शबरी मैया को कहे हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे ज्यादा संतों के प्रति भाव रखो। मेरे चरण पकड़ने से कितना क्या होगा हमें खुद नहीं पता, लेकिन भक्त चरणाश्रय के बाद जीव को भटकना नहीं पड़ेगा, निश्चित है भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए राम जी ने फिर उस गेंद को भरत जी की ओर ही कर दिया। भरत जी की ओर जैसे ही किया तो भरत जी ने फिर राम जी की, यही तो गेंद में यही तो है, वो उधर फेंक रहा है, वो उधर फेंक रहा है, भरत जी ने फिर राम जी की ओर कर दिया। फिर क्यों भरत जी ने राम जी की ओर किया? भरत जी ने कहा, प्रभु यदि आप यही मानते हैं कि भक्त के आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है, तो एक बात ध्यान रखें, सच्चा भक्त वही है जो जीव को अपने से नहीं जोड़ता, जीव को ईश्वर से जोड़ देता है, भगवान से जोड़ देता है। तो यदि यह गेंद मेरी शरण में आई है तो मेरा कर्तव्य है कि इस गेंद को मैं आपकी चरण शरण में पहुंचा दूं। यही तत्व क्रीड़ा का संदेश है, उधर राम जी भरत जी को दे रहे हैं, भरत जी राम जी को दे रहे हैं। और पुनः जब भरत जी महाराज ने राम जी के चरणों में गेंद को रख दिया तो इस बार राम जी ने उठाकर उस गेंद को अपने हृदय से लगा लिया। कोई भक्त किसी जीव को जब अपना ले तो फिर भगवान की भी हिम्मत नहीं कि भक्त के द्वारा अपनाए हुए जीव का तिरस्कार कर दे या उसका बहिष्कार कर दे, उसको छोड़ दे, क्योंकि यह एक स्वभाव है भगवान का। बड़ा सुंदर एक हमारे पृथ्वी रसिकाचार्य हुए हैं, श्री नारायण स्वामी जी महाराज। नारायण स्वामी जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है, से मिलने आ रहे हैं। श्री जी बोली, नहीं नहीं ये नूपुर मत उतारो, श्री जी कहती हैं, नारायण जी
है, इन नूपुरों को देखो, ये नूपुर साधारण नहीं है। अरे श्री ठाकुर जी के चरणों में जिसको बंधने का सौभाग्य मिल गया वो कोई साधारण होगा। ये नूपुर हमारे चरण की शरण में है, इसलिए हमारा प्रण यही है कि शरणागत का परित्याग नहीं किया जाए, चरण शरण में आए हुए को ठुकराया न जाए। तो श्री राधा रानी ने नूपुर को उतारने नहीं दिया। ऐसे ही जिस सूर्य वंश में राधा रानी है उसी सूर्य वंश में श्री राम जी है। जो गेंद चरण में लग गई और कैसे लगी, भरत जी के द्वारा जो अपना ली गई थी, भरत जी महाराज ने अपना कर जिस गेंद को राम जी के चरणों में भेजा, उस गेंद को फिर राम जी ठुकरा नहीं सके और उस गेंद को उठा के रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगा लिया और वही कंद क्रीड़ा समाप्त हो गई। किसी भक्त के द्वारा किसी जीव को भगवान के चरणों में विश्राम मिल जाए, यही तो जीवन यात्रा की समाप्ति है, यही तो खेल खत्म हो जाता है। हमारा खेल अभी चल ही रहा है क्योंकि हम लोगों को अभी तक विश्राम नहीं मिला है। दिन रात चल ही रहे, अनादिकाल से चल ही रहे, भटक ही रहे। लेकिन जब जीवन में कोई संत सदगुरु जन, कोई भक्त जन इस जीव को अपना लेंगे और अपना कर, अच्छा एक बात अवश्य है, भक्त जो होगा वो किसी को अपने से नहीं जोड़ेगा, वो सीधा भगवान से जोड़ेगा। वो यह नहीं कहेगा हाँ हम ही भगवान है, हम ही मानो, हम ही सब कुछ है, नहीं। प्राय संसार में ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो गुरु बनने की लोलुपता में जीव को भगवान से तो दूर कर देते हैं और अपने से जोड़ लेते हैं। हम ही सब कुछ है, हम ही को पूजो, हम ही को सुनो, हम ही हमारी बात सुनो। लेकिन सच्चा सदगुरु वही है जो जीव को अपने से न जोड़कर जीव को भगवान से जोड़ ले, वो सच्चा सदगुरु है। जैसे भरत जी महाराज सच्चे सदगुरु है, उस कंदुक को स्वयं से न जोड़कर उसे श्री राम जी से जोड़ दिया। ऐसे ही राम जी क्रीड़ा करते रहे और हमारे मन मंदिर में विचरण करते रहे, ऐसी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रार्थना की है। आपका यही स्वरूप मेरे हृदय मंदिर में निरंतर खेलता रहे,
विचरण करता है। राम जी तोतरी भाषा में बोले, किंतु गोसाई जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, हम किसी को दिखाई पड़े तो लोग हम पर न्योछावर करते हैं। अगर हम आपके हृदय मंदिर में ऐसे ही खेलें तो आप हम पर क्या न्योछावर करेंगे। कितना सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्रों में आंसू आ गए। हे नाथ, मेरे पास है क्या जो मैं आपको न्योछावर करूं। लेकिन न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाहिन बोलन की। हे रघुनाथ जी, मेरे पास अपने प्राणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं आपको न्योछावर करने के लिए। आप मेरे हृदय मंदिर में खेलें और उसी समय में अपने प्राणों को आपके ऊपर न्योछावर कर दूं और यही लीला बस चलती रहे, ऐसी ही मेरी इच्छा है। ऐसी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं। महात्मा ने गाया है, पायरी बड़े हैं मीठे हरि जी के, राम जी के बोलना, रुनझुन रुनझुन पैजनी बाजे और दशरथ जी के भवन में डोलना, बड़े हैं मीठे राम जी के बोलना, सुंदर सुंदर तोतली बोली बोलते हुए और दशरथ जी के भवन में राम जी विचरण कर रहे हैं, वही राम जी हम लोगों के हृदय में बाल लीला करते हुए विचरण करें, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है। आज की कथा को समय की सीमा देखते हुए यही विश्राम देंगे और कल के कथा प्रसंग में बड़ा प्रमुख उत्सव है राम कथा का, राम विवाह महोत्सव। तो जैसे एक विवाह की वैवाहिक महोत्सव की तैयारियां होती हैं और यहाँ हमारी कल्पना जी एवं उनके अन्य जो भी सहयोगी हैं उनके द्वारा बड़ा सुंदर राम बरात का दर्शन कराने की एक योजना है। तो आप सभी लोग समय से पधारें और कल की रसमई कथा में घराती बराती बनकर आवें और राम विवाह में भाग लें, यही आपको बताना था। और कुछ उद्बोधन तो नहीं है? जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी का बचपन हमने बहुत सुंदर तरीके से सुना है। हमारे पूज्य गुरुदेव और पूज्य मुरलिका जी और राधे किशन जी, उन्होंने ज्ञान की गंगा इस सुंदर तरीके से बहाई कि समय कहाँ चला जाता है वही मालूम नहीं है। देखो, राम जी का बचपन अभी शुरू हुआ और कल उसकी शादी भी है। समय के प्रभाव को कौन रोक सकता है। एनीवे, कल आप सबको शादी में मेरा हार्दिक हिंदू टेम्पल की ओर से आमंत्रण है। यह शादी हमारे पूज्य गुरुदेव रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और मुरलिका जी के मुख कमल से बहुत ही सुंदर मधुर भाषाओं में होगी और उसके साथ साथ हमारे राधे कृष्ण जी का संगीत, ये सोने में से अगर सुहागा हो गया फिर अगे यू नो। सो आप अवश्य आइए, कोई इस मौके को भूलना नहीं। और हाँ, खास शादी में भेंट सौगात का रसम अलाउड है और ब्रिंग योर जनरस हार्ट एंड ब्रिंग मेक श्योर योर डोनेशन विल बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम, टेल योर फ्रेंड और बड़ी संख्या में हाजिर रही है। आज के हमारे यजमान है श्री स्वामीनारायण परिवार, अश्विन भाई सांगाणी एंड फ्रेंड्स। थैंक यू अश्विन भाई एंड प्लीज फॉर द आरती आई विल रिक्वेस्ट अश्विन भाई, कीर्तिबेन, सविताबा, वर्षाबेन, कुसुमबेन, प्लीज ऑल ऑफ यू कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। आरती प्रस्ताव।
आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय सिया राम, जय सिया राम।
Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram.